अष्टम नवरात्र के दिन महागौरी का पूजन अर्चन किया जाता है। देवऋषि नारद के उपदेश पर भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती ने कठोर तप किया, जिसके कारण उनका वर्ण मलिन हो गया। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा जल से स्नान कराया और अति गौरव वर्ण प्रदान किया। तब से भगवती महागौरी के नाम से सुविख्यात हुई। भगवती महागौरी बैल पर सवार हैं, उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल हैं और वर और वैभव प्रदान करते हुए भगवती महागौरी का ध्यान करते हुए श्वेते विशेष मारूढ़ा श्वेताम्बर सुचि महागौरी शुभंगद्या देवी महादेव प्रमोददा। भगवान शिव को अति आनंद देने वाली, उनको प्रसन्न करने वाली महागौरी का ध्यान करने से कुमारिकाओं को विशेष जो है वर की प्राप्ति होती है। और जिन दंपतियों के जीवन में सुख का अभाव हो, अर्थात घर में क्लेश रहता हो, परस्पर प्रेम का अभाव हो, तो वो भगवती के मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। और भगवान माता सीता ने भी रामायण काल में भगवान श्री राम को वर रूप में प्राप्त करने के लिए महागौरी का पूजन किया था। और उनकी वो चौपाइयाँ हैं जो विशेष रूप से अनुष्ठान के रूप में कहते हैं कि जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय इस इन चौपाइयों का ध्यान, जय जय गिरिवर राजकिशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन खड़ानन मादा। इन चौपाइयों का अनुष्ठान करने से कुमारिकाओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी ओर एक भगवती गौरी का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम गुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से भी भगवती की कृपा से कुमारिकाओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन में परस्पर जो है प्रीति बढ़ती है, घर में सुख शांति का वातावरण बनता है और आपस में प्रेम बढ़ता है और भगवती कृपा से साधक को समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए महागौरी का पूजन करने से कुमारिकाओं को विशेष रूप से भगवती का पूजन करना चाहिए, इससे उनको जीवन में सुख शांति जीवन और परस्पर प्रीति बढ़ती है।